अभिभावक हूँ या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। एसपी सिंह जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक सरकार की जिम्मेदारी है या फिर सभी को साथ मिलकर काम करना होगा तभी कुछ ठोस कदम या फिर कुछ हम लोग इस पर कर सकते हैं आगे, आपको भी ऐसा लगता है? दीपा जी, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि बात सरकारों की नहीं है, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या अदर हो, उससे कोई मतलब नहीं। बच्चा बच्चा सफर कर रहा है, बच्चा किसी सरकार का नहीं है, बच्चा वोटर नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। जबकि ये समाज की, विजय जी ने जैसे बताया, समाज की भी जिम्मेदारी होती है, हम सब की भी जिम्मेदारी होती है। जैसे मीडिया अपनी जिम्मेदारी बखूबी रूप से निभा रहा है, ऐसे मामलों में जब जब विषय लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं इन मामलों में सक्रियता बढ़ती है इस डिपार्टमेंट्स के। अभी मैं मेरे छोटे भाई शैलेंद्र की ही जवाब देना चाह रहा हूँ। छठे नंबर पे राजस्थान कहाँ से आया, ये आंकड़े कहाँ से उपलब्ध हैं, ये इनसे हम सब लोग अनभिज्ञ हैं। फिर भी अगर आपके पास ऐसे आंकड़े हैं तो हम इनको छः नंबर पे मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, राजस्थान एक दो तीन में रहता है, हो सकता है, मैं तो ये मानता हूँ हो सकता है एक नंबर में भी आ जाए। हाँ। लेकिन एक नंबर यूपी बिहार और राजस्थान में टक्कर रहती है एक दो तीन की। हाँ। तो इससे आगे तो होना तो बहुत बड़ी बात है। अब बाकी की जैसे आंकड़ों की बात आई साहब, बात आपने काम भी किया है, काम कर भी रहे हो, सब कर रहे हैं, विजय जी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। 15 साल से जब मैं इस बाल आयोग के साथ साथ बाल कल्याण समिति में भी काम कर चुका। लेकिन क्या एसपी सिंह जी, आपको भी लगता है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये है या फिर बहुत बड़े लेवल का एक तबका ही उसे कहेंगे वर्ग है जो बाल श्रम को सही मान रहा है या फिर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसको स्वीकार कर रहा है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अब आंकड़ों की बात आए तो मैं बाल कल्याण समिति में रहते हुए सीकर के क्लर्क साहब हमारे थे, तो उनके यहाँ चाय पकड़ाने वाले, चाय देने वाले और उसी के आसपास जितने भी ढाबे हैं सब जगह बाल श्रमिक थे। जबकि लेबर डिपार्टमेंट ने कहा कि उससे पहले मैंने मांग लिए थे आंकड़ों में जीरो दिखा रहे हैं, तो जीरो हैं तो ये बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं? तो आपके आंकड़ों में तो आप विभिन्न जिलों से लोगे तो वहीं यही आएंगे, वो नए दिखाने की कोशिश करेंगे, उनके सामने आपको काम करना पड़ेगा, हमें भी साथ ले, समाज को भी ले और ये वास्तविकता जो है इन बच्चों के।